रेलवे सलाहकार समिति गोंदिया ने 22 सितंबर को मंडल रेल प्रबंधन नागपुर को गोंदिया जिले के रेल प्रवासियों को हो रही परेशानियों से संबंधित ज्ञापन सौंपा था, जिसकी खबर बीसीएन न्यूज चैनल पर दिखाई गई, जिसका असर यह हुआ कि 24 घंटे के अंदर रेल प्रशासन ने गोंदिया से सभी लोकल ट्रेन 28 सितंबर से चालू करने का आदेश पारित कर दिया। गोंदिया रेल सलाहकार समिति के सभी पदाधिकारियों ने बीसीएन न्यूज चैनल का आभार प्रकट किया। मैं जसपाल सिंह चावला, गोंदिया रेलवे स्टेशन सलाहकार समिति सदस्य, अपने साथियों के साथ हमने 22/9/2021 के दिन मंडल रेल प्रबंधक नागपुर विभाग को लोकल ट्रेनें शीघ्रता से शुरू करने बाबत ज्ञापन भेजा था, जिसकी खबर बीसीएन न्यूज़ चैनल द्वारा 23 तारीख को प्रकाशित की गई। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि बीसीएन न्यूज़ चैनल के द्वारा न्यूज़ प्रकाशित करने के बाद 24 घंटे के अंदर रेल प्रशासन ने आदेश जारी कर 28/9/2021 से सभी लोकल ट्रेनें शुरू करने का आदेश दे दिया। गोंदिया, बालाघाट, कटंगी, गोंदिया, वर्षा, बल्लारसा, सारी ही लोकल ट्रेनें आज से शुरू हो चुकी हैं। और इसी के साथ मैं बीसीएन न्यूज़ चैनल के माध्यम से और भी कुछ मांगे जो है वो मंडल रेल प्रबंधक नागपुर विभाग के समक्ष रखना चाहता हूँ, जिसमें प्रमुखता से एक जो विषय है वो MST का विषय, मंथली सीजन टिकट, क्योंकि काफ़ी मध्यम वर्गीय लोग गोंदिया नागपुर, गोंदिया रायपुर, गोंदिया दुर्ग अप डाउन करते हैं, जिन्हें बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी तकलीफों का निवारण करने के लिए MST जो है वो शीघ्रता से मंडल रेल प्रबंधक शुरू करे। साथ ही गोंदिया के बाहर एक अत्याधुनिक पेयेबल शौचालय बनाया जाए, जिसमें बाहर से आने वाला यात्री पे करके शौचालय का यूज़ करके वो रिफ्रेश हो सके, ऐसी अत्याधुनिक सुविधा गोंदिया रेलवे स्टेशन में उपलब्ध कराई जाए, यह मैं मांग BCN चैनल के माध्यम से रख रहा हूँ। साथ ही मेरे जो समिति सदस्य हैं वो भी कुछ मांगे रेल प्रशासन के सामने रखना चाहेंगे। पहले तो BCN चैनल का आभार। मैं लक्ष्मण लद्दानी रेलवे सलाहकार समिति से, ट्रेन तो शुरू हुई, बहुत बहुत बधाई हो पूरे गोंदिया वासियों को, लेकिन उसका किराया सीधा डबल है। अभी एक यात्री मेरे को मिला, उसने किराया बताया कि 20 की जगह 40 रुपये लिया जा रहा है, टिकट भी दिया मेरे को, और ट्रेन का समय भी ज़्यादा है। पहले 1.5 घंटे ट्रेन आती थी, अभी 1.25 घंटे में आ रही है। तो मेरा अधिकारी से ये निवेदन है कि उस पर ध्यान दिया जाए। जैसे प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपये से 10 रुपये किया गया, वैसे ये किराया जो पुराना था वही लिया जाए, क्योंकि इसमें गरीब वर्ग ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ट्रेन को और मध्यम वर्ग ही जाते हैं। किराया वापस वही पुराना जो था वही लगाया। धन्यवाद। एक और मांग है दुर्गा चौक के पुलिया की, वो हमारे गोपलानी जी द्वारा रखी गई है। गोंदिया रेलवे स्टेशन के सामने वाली पुलिया पिछले बहुत टाइम से बंद है। मेरी अनुरोध है कि पुलिया जल्द से जल्द चालू करा जाए। गोंदिया शहर की आधी पब्लिक वहाँ से चढ़ती और उतरती है। मैं आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा जो मांगे रखी गई है वो BCN न्यूज़ चैनल द्वारा बुलंद आवाज में मंडल रेल प्रबंधक के समक्ष रखी जाएगी, और इसी तरीके से BCN न्यूज़ चैनल हमारी मांगों को रख के जनता को राहत प्रदान करेगा। धन्यवाद। गोंदिया से हर्षद चूटे, BCN न्यूज़।